स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फिजिक्स में आपको क्वेश्चन लगाया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस होती है किसी कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया बिटवीन द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन देम। और आप लोगों को मैंने ये बताया कि अगर उनके बीच में डायरेक्टली कॉन्स्टेंट क्या है के, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली कॉन्स्टेंट के भी हो सकता है। तो उसी के बेस के ऊपर आज हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो कहता है कि प्लेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ईच, मतलब इसका मतलब कि हमारे पास एरिया गिवन है वो है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो बहुत क्लियर है कि 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का रिजल्ट नहीं है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो इसमें हम बताएंगे 100 10 के बाद माइनस 4 आएगा, क्योंकि अगर हम 1 मीटर करते हैं तो इसकी कन्वर्शन है कि, तो इसको लिखेंगे एरिया आपको मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, 10 की पावर 2 आएगा माइनस 2, ये आपको एरिया मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ईच एंड के आर सेपरेटेड बाय, मतलब डिस्टेंस हमारे पास इतना है 2.0 mm। तो भाई साहब आप लोग को मैंने बताया हुआ 1 mm इज इक्वल टू 10^-3 मीटर, तो ये भी आ जाएगा 2 × 10^-3। ठीक है, मीटर आ जाएगा, मीटर कन्वर्शन होगी। The capacitor is charged through a potential. V भी हमारे पास कितना है? V कितना है? 100 वोल्ट का। कितना है? 100 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो हमें बताना है कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो भाई स्टोर एनर्जी तो कब मिलेगी? जब हमें C की वैल्यू पता होगी। तो C की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। सो देखिए C की वैल्यू क्या है? सो देखिए यहां पर, सो देयरफॉर सिंस आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि C इज इक्वल्स टू KA epsilon upon D। ठीक है, तो K की वैल्यू K क्या था हमारा? डायरेक्टली कॉन्स्टेंट था, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर ये तो हमने निकाला था, लेकिन एक्चुअली इसकी जो वैल्यू थी आप लोगों को पता है कि जो ये जब था मीडियम बिटवीन प्लेट्स, क्या था? अगर वैक्यूम था तो तब हमारे पास क्या था? तब हमारे पास कैपेसिटेंस थी A epsilon by D। A हमारे पास कितना है? A हमारे पास है 10^-2। ठीक है, और हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 × 10^-4। नीचे है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 2 × 10^-7। तो देखो बच्चों यहाँ पे आ जाता है, एक तो बहुत दे रहा है 8.85, ठीक है, तो इंटू आ जाता है 10^-12 − 2, और ये प्लस 8 पर चला जाता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन होती है, इसमें हम यूज कर लेंगे डिवाइड में है 2, तो 2 ये कितना आएगा? 4.4। ठीक है, लेकिन ये 4.4 × 10^12, 12 × 14 में से 3 के तो कितने बचे? 11। 4.4 × 10^-11, तो ये आई आपकी फैक्ट्री, इतनी कैपेसिटेंस आई इसकी। क्लियर? बट आप लोग इंटरेस्टेड इस फील्ड, सिंस आप लोगों को पता चाहिए कि एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर होती है 1/2 CV² तो क्या लेना 1/2 × C कितना है? 4.4 × 10^-11 एंड व्हाट इज बी? बी हमारे पास था, बी हमारे पास था 100 वोल्ट का। ठीक है, तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये लिख लीजिए 2.2, तो ये आ जाएगा 2.2 × 10^-11 कितना आएगा? 11 × 10^2, तो दैट शुड बी 2.2 × 10^-9। तो एनर्जी जूल में आ गई, किसमें आ गई? जूल में। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया? सबसे पहले हमारा क्लेम था कि हम कैपेसिटेंस निकालें, तो कैपेसिटेंस निकलते जाएंगे क्या है ये होती है कैपेसिटेंस के लिए, ये बात की बात है कि अगर के डायरेक्टली कॉन्स्टेंट है तो बाद में अगर हम उसको करेंगे तो बात की बात है कि सी इसके डायरेक्टली क्वेश्चन भी होता है, लेकिन अगर आपको एरिया दिया है और डिस्टेंस दिया है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो आपने यहाँ पर सॉल्व करके पहले इसको निकाला। ठीक है, तो कुछ कन्वर्शन भी किए हैं, ये भी आप ध्यान रखना, अगर ऐसे ही सिस्टम में क्वेश्चन को करना है, इसलिए मैंने मिलीमीटर को चेंज किया और सेंटीमीटर को चेंज किया। तो यहाँ पर सी आ गई, तो जब हमने इसको सॉल्व किया ये एनर्जी स्टोर की कैपेसिटी कितनी होती है इतनी, लेकिन प्रॉब्लम कौन सा इंप्लीमेंट किया मैंने सी के लिए, यहाँ पर वैल्यू स्टोर करके दिस इज दी एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल, अब हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। सो आज का आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेन्स ऑफ ए टू फेयर, मतलब प्लेन्स के हमारे पास हमारा जो क्लेम है सॉल्यूशन में, देखिए हमारा जो क्लेम है उसमें आज क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। और हमारे पास से इट इज गिवन दैट हमारे पास गिवन है, एक तो सी दिया है, सी कितना दिया है? 2 फैरेड। अच्छा, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर गिवन दैट इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। तो बात आई सेंटीमीटर की, तो आप
मतलब 1 सेंटीमीटर मेक्स 10 टू द माइनस 2 मीटर, तो ये आएगा 0.5 इनटू 10 टू द माइनस 2 मीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है, सिंस भाई देखो जो c होता है वो होता है h नॉट बाय d, और अगर आप देखा जाए h नॉट की वैल्यू तो इसकी वही 8.85 10 टू द माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, वैल्यू याद है, ये वैल्यू भी हमें कंफर्म है। एरिया हमें निकालना है, वो आएगा a इज इक्वल टू c d बाय h नॉट, तो यहीं से निकल जाएगा। तो हमने देखा सबसे पहले क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, तो एरिया ऑफ द प्लेट्स हमें फाइंड करना था, प्लेन हमारा ये है of 2 farad, इनकी कैपेसिटी कितनी है 2 farad की। प्लेस गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज, ये गिवन दिया है कि इनके बीच में सेपरेशन कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, तो बात सेंटीमीटर की आई, हमें ऐसे सिस्टम में जाना है। अगर ऐसे सिस्टम में जाना है तो व्हाट विल हैपन, यू हैव टू टेक 1 सेंटीमीटर इज टू 10 टू द माइनस 2। अब हम इसको हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो ए एफ नॉट बाय डी होती है। एफ नॉट क्यों होता है, क्योंकि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स क्या था, एयर। ठीक है, अब जब हमने इसमें वैल्यूज को इंप्लीमेंट किया, जब हमने यहाँ पे वैल्यूज को इंप्लीमेंट किया तो हमें क्या मिला, सो देयरफॉर एरिया मिला हमें, एरिया हमें मिल गया सी, सी हमें पता है 2 है, डी हमें पता है 0.5 इंटू 10 टू द माइनस 12 है, माइनस 12 है, नीचे कितना आ गया 8.85 इंटू 10 टू द माइनस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉरी एरिया कितना 0.5 इंटू 10 टू द माइनस 2। ठीक, अब करिए इसको सॉल्व, सो देखिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 बाय 10, ठीक है, नीचे आ जाएगा 8.85, ठीक है, इंटू 10 पर माइनस 12, ये 10 इस आ गया इंटू 10 पर माइनस 12 इंटू 10 टेंस पर माइनस 2, ठीक, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक है, इंटू 10 पर माइनस 2, नीचे 8.85 इंटू आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 10 इंटू 10 पर माइनस 12, ये 10 ऑफ डिफरेंस है, ये आ जाएगा 1 बाय 8.85, ठीक, ये आ जाएगा 8.85, तो यहाँ आ गया 10 पर माइनस 2, ये प्लस ऊपर जाएगा 12 हो जाएगा। अब वो 8.85 कर दीजिए, 885 बाय 100, ठीक है, इंटू कितना आएगा 10 की पावर माइनस 1 कितना आएगा, 10 की पावर कितना आएगा 10, ठीक, क्योंकि माइनस का ये आ जाएगा 100 ऊपर 885 इंटू 10 कितना है 10। अब मुझे पता है ये पॉइंट में आता है तो इसको एक कम करता हूँ, जीरो लेता हूँ, यहाँ से इंटू 10 कितना आ गया 9, ये आएगा 885। अब इसको डिवाइड करिए, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो भाई ये क्या आएगा, यह 1.13 इंटू 10 पर 9, तो ये आपका आ गया इतना एरिया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया एरिया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।